पहले हम लोग किया भी ये अपनी गाड़ी भगाते हैं यार, इतना टाइम नहीं अपने पास। लैम्बो लिया तो फायदा तो है कुछ। वैसे गाइस लैम्बो की शान से कटिंग मारने का ना एक अलग ही मजा ही है। देखो भाई ये गाड़ी कैसे लहर मारती हुई निकल जाती है हर जगह से। मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आगे लेकर आ चुका हूँ, जहाँ तक मुझे पता है मुझे इस वाले कट से अपनी गाड़ी को अंदर लेकर आ चुका हूँ। भाई साहब ये क्या ही तमता बड़े है ड्राइवर भाई। मजा आया ये अपनी गाड़ी भगाते हैं यार, इतना टाइम नहीं अपने पास। लैम्बो लिया तो फायदा तो है कुछ। वैसे गाइस लैम्बो की शान से कटिंग मारने का ओल्ड इज गोल्ड। बाद में अपलोड करता हूँ मैं। सौरभ भाई का मैंने एक ऐसा व्लॉग देखा जिसके अंदर है ना सौरभ भाई अपने घर में ना सबसे बोलते हैं कि ना आप सभी है ना ड्राइंग बनाओ और एक है ना सिर्फ फेस बनाना है आपको ड्राइंग में। और फिर सौरभ भाई सबको पेंसिल दे देते हैं और पेपर दे देते हैं और सबसे मस्त ड्राइंग जिसकी बनती है ना भाई मम्मी जी की बनती है उसको जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं सौरभ भाई के वही वाले व्लॉग का छोटा सा क्लिप, बट उससे पहले शॉर्ट को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। लगे पड़े हैं बनाने के लिए, देखते हैं कौन कितना सही बना पाता है। बिल्कुल क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ दिखाओ तो सही। मम्मी बन जाएगा टेंशन ना लो, बन जाएगा। मम्मी जी ने ये बनाया है कान नाक सब थोड़े कान जैसे हो गए, क्या कहते हैं जो उसमें नाक हो यार मम्मी आप। हाँ एक काम करना सबका कंप्लीट होगा ना, कंप्लीट होने के बाद सबका टेप से यहीं ईजल पे लगा दो, ये तो मैं संभाल के रखूंगा हमेशा। तो गाइस ये है सभी के, मेरे वाला छोड़ दो आप, अभी आप कमेंट करके बताना। कुरकुर को गाइस सौरभ भाई का ना मैंने एक ऐसा व्लॉग देखा जिसके अंदर है ना
दोस्तों मिली अमेरिका में रहने वाली अमेलिया नाम की इस लड़की से जिसको ब्लड कैंसर होता है और ब्लड कैंसर की वजह से अमेलिया को अपने सिर के सारे बाल कटवाने पड़ते हैं जिसकी वजह से अमेलिया काफी दुखी होती है और रोने लगती है। अमेलिया को रोता हुआ देख उनकी फैमिली मेंबर्स भी काफी दुखी होते हैं। तभी अमेलिया के फैमिली मेंबर्स अमेलिया को सिंपैथी देने के लिए अपने सिर के बालों को भी कटवाने लगते हैं। यहां तक कि अमेलिया के छोटे बेटे ने भी अपने माँ को सपोर्ट करने के लिए अपने सारे बाल कटवा लिए। और तो और दुबई में रह रही अमेलिया की बहन सारा भी अमेलिया के लिए अपने सिर के सारे बाल कटवा लेती है जिसके बाद इन सभी ने एक फैमिली फोटो भी ली। दोस्तों इस फैमिली के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों मिली अमेरिका। आपने कैदियों को तो फांसी मिलते सुना होगा लेकिन क्या जज को फांसी मिलते सुना है? तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या किया था उस जज ने जिस वजह से उसे फांसी देनी पड़ी। एक्चुअली उपेंद्र नाम का एक जज असम में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था क्योंकि उनके पड़ोसियों ने ये नोटिस किया कि उनके बीवी बच्चे काफी दिनों से घर से बाहर नहीं निकले और ना ही उन्हें काफी टाइम से किसी ने देखा। फिर शक होने पर पड़ोसी और रिश्तेदारों ने उस जज से पूछा कि उसके बीवी बच्चे आजकल दिखाई क्यों नहीं देते। तो वो जज कोई ना कोई बहाना बना देता और बोल देता कि वो कहीं बाहर घूमने गए हैं, कुछ दिन में घर आ जाएंगे। लेकिन जब लोगों का शक और बढ़ने लगा तो वो जज उस घर को छोड़कर ही भाग गया और बाहर किसी होटल में रूम लेकर रहने लगा। लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने ही अपने बीवी बच्चों को मारकर उसी घर में दबा दिया था, इसी वजह से जज को फांसी दी गई। आपने कैदियों को तो फांसी मिलते गोलगप्पा खाने पर 500 रुपए मिलती है। आपको ये दिया जाएगा उससे पहले आपसे 100 रुपए ले लिए जाएंगे। आपको पूरा पड़ाका खाना है, पानी भरना है, पूरा मुंह में जाना चाहिए टूटे बिना। किसी ने खाया भी आज तक? 6 लोगों ने खाया। आपको साइज देख के अभी आइडिया लग रहा होगा कितना बड़ा है। अभी देखो पूरा मुंह खोलता हूँ फिर आपको पता चलेगा कितना बड़ा है। पहले बार नहीं आया मुँह में, कोई दिक्कत नहीं। दो ट्राई कर लिए नहीं खा पाया लेकिन हार नहीं मानूंगा। भाई जीत गए। सातवां बंदा हो गया, हम जीतने वाला ही। भाई 500 रुपए जीत लिए। कोशिश करो, जान दो। अंदर ही नहीं गया है तो देखे बाबा खा पाएंगे क्या। अरे ओ भाई साहब, अरे वाह भाई, तालियां हो जाए बाबा के लिए, तालियां। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, मजा आ गया गाइस। मतलब अब दोस्तों आपके फोन को कोई टच नहीं कर सकता, अगर टच करता है तो आपको पता चल जाएगा कि किसने आपके फोन को टच किया। यस, एक एप्लीकेशन दोस्तों जिसका नाम है Who Touched My Phone, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इस ऐप को ओपन करने के बाद, इसे इनेबल करने के बाद दोस्तों जैसे ही कोई भी आपके फोन को अनलॉक करने की टच करने की कोशिश करेगा तो ये एप्लीकेशन बेसिकली फ्रंट कैमरे से उस यूजर की फोटो ले लेगा और आपको पता चल जाएगा कि किस यूजर ने कब किस सही में आपके फोन को टच किया। जानकारी चाहिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और फॉलो। अरे अनूप भाई, तुमने फंसाया क्या मुझे यहाँ पे? तुम्हें पता नहीं है कि मैं इसको तोड़ के भी जा सकता हूँ? नहीं भैया, आप इसको पार करोगे तो आपको प्राइज मिलेगा, तोड़ के मत जाना, आपको प्राइज नहीं मिलेगा फिर। चल तू बोल रहा है तो मैं पार करके दिखाई देता हूँ। इस बैरल के अंदर क्या है? अरे इसके अंदर तो चेस्ट प्लेट और हेलमेट है और इसके अंदर तो प्रेशर प्लेट है। चलो इसको ले लेता हूँ, मुझे लगता है अभी हमें पार्कोर करना है। अरे अनूप भाई, कितना आसान पार्कोर दिया यार तुमने। भाई वो आसान नहीं है, मुझे बनाते बनाते 2 दिन लग चुके हैं उसको। लो मैंने तो पार भी कर लिया यार, कितना आसान दिया था तुमने। लो मैं सेकंड लेवल में भी आ गया। मुझे लगता है अभी प्रेशर प्लेट को प्लेस करना है जिससे डोर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? मैं नहीं बताने वाला, खुद कर लो। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ से जाना है। इस बैरल के अंदर क्या आइटम्स है? अरे इसके अंदर तो स्वॉर्ड और लीवर था, इसको ले लिया। अभी मुझे इन जॉम्बिस को मारना है क्या? पागल हो गए हो क्या? इन सारे जॉम्बिस को कैसे मारूंगा मैं? भाई साहब कितने सारे जॉम्बिस है यार, इसके पास वाटर बकेट भी है। तो यार फाइनली मुझे वाटर बकेट मिल गई। देखो नूप भाई, मैंने यहाँ से एस्केप भी कर लिया। ठीक है फिर, चेस्ट को ओपन करके देख लो, तुम्हारा कीमती चीज उसके अंदर है। यार तू पागल है क्या? डर्ट कौन देता है यार, इतनी मेहनत फोकट में की। अरे अनूप भाई, तुमने फंसाया क्या मुझे यहाँ पे? अगर माइक टाइसन जो कि एक अमेजिंग बॉक्सर थे की लड़ाई ब्रूस ली जो कि एक अमेजिंग कुंफू फाइटर थे की जाए तो दोनों में से कौन जीतेगा? देखिए ब्रूस ली एक फास्ट कुंफू फाइटर नहीं थे, उनके 1 इंच के पंच से वो एक आदमी को 15 फीट की दूरी तक गिरा देते थे, जबकि दूसरी तरफ माइक टाइसन का हाथ 2.5 किलो का नहीं बल्कि 25 किलो का था। और जब माइक टाइसन घूंसा मारते थे तो आदमी उठता नहीं था बल्कि नॉकआउट हो जाता था। और अब अगर बात की जाए कि ब्रूस ली और माइक टाइसन की फाइट हो, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो, तो कौन जीतेगा? देखिए ब्रूस ली एक एक्टर थे, जैसे आजकल हमारी पिक्चरों में हीरो होते हैं उस तरीके के। इन्होंने कभी भी कोई बहुत बड़ी फाइट या टाइटल नहीं जीता है, जबकि माइक टाइसन ने ढेरों टाइटल जीते हैं। 2019 में एक इंटरव्यू देते हुए माइक टाइसन ने कहा था कि नो डाउट ब्रूस ली एक लेजेंड है, पर अगर मेरी ब्रूस
ब्रूसली से एक स्ट्रीट में लड़ाई होती पर अगर मेरा एक भी घूसा ब्रूसली को पड़ जाता तो ब्रूसली वहीं निपट जाते। मैं एक रियल चैंपियन हूँ। देखिए ये तो था माइक टाइसन का मानना। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि देखने वो रुक जाता है। तभी एक प्लेयर जोर से आके इस लड़के के साथ टकरा जाता है जिस वजह से ये लड़के का लेफ्ट हैंड पूरा टूट जाता है और इसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है जहाँ पे डॉक्टर्स ऑपरेशन करके इसके हाथ की नस काट देते हैं जिसके कारण इसका पूरा हाथ एकदम खराब हो जाता है। इस हादसे के बाद इसके सारे दोस्त ये लड़के को अकेला छोड़ के चले जाते हैं और कोई भी इसका साथ नहीं देता। बट कहते हैं ना एक अकेला बंदा जो चाहे वो कर सकता है, वैसे ही ये लड़का अपने पापा के फोन में छुप छुप के गेम्स खेलने लगता है। बाद में जाके जब उसको 2 GB रैम वाला न्यू फोन मिलता है तब वो उसमें फ्री फायर खेलना स्टार्ट करता है और अपनी गेम प्ले की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने लगता है। और आज की डेट में ये लड़का अपनी मेहनत के वजह से यूट्यूब पे 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर अचीव कर लेता है। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंड देव अलोन। 7th क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का एक दिन हिप्पो पानी में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन काफी सेंसिटिव होती है जो कि बाहर की गर्मी को सहन नहीं कर पाती। 50 मेगापिक्सल कैमरा। व्हाट? ये फोन देखो। सतरंगी फोन। और ये फोन कोई और ब्रांड का नहीं है बल्कि ओप्पो ब्रांड का है और फोन का नाम है ओप्पो A55। फोन को अनबॉक्सिंग करते वक्त सबसे बढ़िया पता क्या लगता है? इसे रिमूव करना। बॉक्स में ये सिम इजेक्टर टूल। कोई ज्यादा आपसे छेड़खानी करे ना तो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये कुछ पुस्तकें जिसे मैंने तो आज तक नहीं पढ़ी, आप क्या पढ़ोगे? ये ट्रांसपेरेंट केस, टाइप सी केबल और फास्ट चार्जर। तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया है, एक बड़ी डिस्प्ले है 6.51 इंच की HD पंच होल डिस्प्ले, 5000 mAh की एक बिग बैटरी। स्क्वाड वर्कर इतना अच्छा नहीं। कैक्टस को बैठ
तो हो रहा था कोई क्या भाई कि मैं यहाँ पे एक बंदा होता तुम्हें तो क्लास ध्यान दो आज की क्लास होगी ज़ेब्रा के बारे में मैं चाहती हूँ तुम इसे 20 बार लिखो ठीक है ये रही तुम्हारी टेस्ट पेपर्स मिस मिस मुझे पता है ज़ेब्रा कैसे लिखते हैं तो चलो मैं देखना चाहती हूँ सबसे तेज कौन है मैं मुझे टेस्ट बहुत पसंद है ZEBRA ज़ेब्रा पता नहीं अगला टेस्ट कब होगा जी आगे क्या होगा कि बहुत मुश्किल है इसे करना आसान होगा अगर मैं ये पेंस और टेप्स इस्तेमाल करूं, हाँ ये काम करेगा एक टेप की स्ट्रिप लेते हैं और पेंस को टेप पर लगाते हैं इसी तरह टेप को फोल्ड करके पेंस को उनकी जगह पर लगाएंगे अब पेंस के नीचे भी टेप लगा देंगे अब मैं बहुत जल्दी लिख सकती हूँ इससे कितना समय बच गया बस हो ही गया एप्पल कितना क्रंची है तुम क्या कर रही हो लूजर नहीं ये नहीं हो सकता मैं ये इतना स्वाद एप्पल क्यों खा रही हूँ जल्दी ज़ेब्रा जल्दी लिखो शायद मेरा हो गया मिस देखो मैंने कर दिया मैं फर्स्ट आई खैर तुम कितनी तेज हो तो क्लास ध्यान दो सब बोलते हैं ना भारत मतलब कुछ भी मैं बड़ी लड़की को ज़ेब्रा का स्पेलिंग दे रहे वो कुछ फिफ्थ स्टैंडर्ड से भी ऊपर आएगा पर इसका स्पेलिंग हम लोग वन स्टैंडर्ड यूकेजी के बाद भी पता चल जाता है ने दुनिया को क्या दिया आइए जानते हैं नंबर वन गणित इतिहास में पाई का मान भारत ने दिया नंबर टू योगा की शुरुआत भारत में हुई नंबर थ्री कपड़ों के बटन्स की खोज भारत में हुई नंबर फोर चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत ने की नंबर फाइव 70% मसालों की देन भारत की है नंबर सिक्स शून्य यानी जीरो की खोज भारत के आर्यभट्ट ने की नंबर सेवन लोहा जैसे खनिज पदार्थों की खोज भारत में ही हुई नंबर एट प्लास्टिक सर्जरी की खोज भी भारत में ही हुई थी भाई लगता है ना इनक्यूबेटर वाउचर देना भूल गया था गिरिला और देखो उसको याद आया तो फिर से इनक्यूबेटर वाउचर दे दिया और मेरे पास 11 इनक्यूबेटर वाउचर रखा हुआ है ओले बाबा भाई तो चलो जल्दी से हम लोग स्पिन मारते हैं और इतना तो पता कि गिरिला हमको पहला स्पिन में कभी कब भाई पहला स्पिन में ब्लूप्रिंट दे दिया भाई कैसे हो गया यार पहला एसबी ने ब्लू प्रिंट दे दिया गिरिना भाई अगर पहले वाला मेरे पास ब्लू प्रिंट रहता तो अभी हम निकाल लेते टॉप वाला भाई इस बार क्या इस बार स्टोन दे दिया भाई 10 टॉप वाउचर में इतना निकल गया बहुत है भाई अब तो नहीं देगा कुछ इतना तो पता है भाई फिर से स्टोन दे दिया Minecraft, but I have 1000 hearts. मेरा मेन गोल है इस गेम में टू एक्चुअली डाई ओ भाई साहब कैसे क्या हो रही है मेरे को ये ट्रिक पता है काम क्यों नहीं कर रही है But I have 1000 hearts. उसको हार्ड बोल रहा है। इसमें सब बोल रहा था डायमंड्स चुनने का। तो गाइस आज के लिए इतना ही। Tada bye bye, see ya there.